common collector configuration. हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में काफी हद तक आगे बढ़ चुके थे बेटा, इक्वेशंस निकाल चुके थे, कॉन्फ़िगरेशन बना चुके थे. बस इस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की करेक्टरिस्टिक्स बाकी थी और इसका कंपैरिजन बाकी था, बाकी लगभग काम हो चुका था बेटा. तो मैंने बताया था कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो कलेक्टर टर्मिनल होगा वो क्या रहेगा बेटा आपका, इट इज द कॉमन, द कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन, दिस कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन. सो दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस इज एन. तो जो J1 जंक्शन होता है आप अच्छी तरीके से जानते हो बेटा, दिस इज द एमिटर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द कलेक्टर. वो एमिटर और बेस के बीच में होता है, इसलिए बेटा मैंने दैट्स व्हाई मैं इसको फॉरवर्ड बाइस करूंगा. और फॉरवर्ड वाइज करने के लिए एन को लो पोटेंशियल एंड बाकी सारे हाई पोटेंशियल. मैंने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए कलेक्टर को इनपुट में भी रखना है और आउटपुट में भी रखना है. ये आपने कोई दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया, दैट इज द RB. और आपको पता है बेटा आपको J2 जंक्शन को रिवर्स वाइज रखना है. J2 होता है किस किस के बीच में, कलेक्टर और बेस के बीच में. तो कलेक्टर रिवर्स बाइस कब होगा, जब एन को हम हाई पोटेंशियल पे करेंगे. आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पहले ऑलरेडी बना चुके हो. इस वोल्टेज को मैंने V1 नाम दे दिया, इस वोल्टेज को मैंने V2 नाम दे दिया. और अगर बात करूं कि एमिटर करंट अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो बेस और कलेक्टर करंट अंदर की तरफ जाएगा. फिर मैं कुछ और वोल्टेजेस की बात करता हूं, तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज की बात करूं तो आपका कलेक्टर हाई पर है, तो दिस इज VCB, नथिंग बट दिस इज जस्ट VCB. VCB में अगर पोलरिटी की बात करूं तो दिस कलेक्टर इज एट हाई एंड बेस इज एट लो. अगर मैं इन दोनों वोल्टेज की बात करूं तो दिस द एमिटर एंड कलेक्टर, और एमिटर आपको लो पर दिख रहा है, तो VCE इज हियर. सो दिस टाइप ऑफ बेटा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी. ओके, शायद मैंने आपको इतना बता दिया था. अब बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो करंट इक्वेशन निकल कर आती है वो इक्वेशंस क्या होती है बेटा, कोई बच्चा बताएगा? I इज इक्वल टू, बोलना बेटा प्लीज, गामा टाइम IB प्लस बेटा ICCO. दिस इज द करंट इक्वेशन. वेयर अगर गामा की वैल्यू देखी जाए तो गामा इज जस्ट 1 प्लस बीटा. तो ये इक्वेशन बेटा शायद हमने लास्ट क्लास में निकाली थी. अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स पर बात आएंगे. बोलो बेटा इतना काम कर चुके थे हम? हाँ जी बोलो, बताइए बेटा इतना काम कर चुके थे क्या? यस सर. ओके, नाउ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. तो बेटा इनपुट करेक्टरिस्टिक, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, तो इनपुट करेक्टरिस्टिक जैसा कि हमने डिस्कस किया है बेटा, किस किस के बीच में कर्व होती है बताना. इट इज द कर्व बिटवीन द इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज, कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज या आउट सॉरी कीपिंग द क्या बेटा बताना, आउटपुट वोल्टेज टू बी फिक्स. तो क्या है बेटा, कर्व बिटवीन द इनपुट करंट, इनपुट करंट आपका IB है वर्सेस इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज आपको दिख रही है बेटा VCB है, कीपिंग क्या कांस्टेंट बेटा, VCE, VCE कांस्टेंट. तो अगर बेटा मैं कर्व की बात करूं तो आई जस्ट ड्रा ए कर्व. सो दिस इज माय IB एंड दिस इज माय वी कैन से दैट VCB. अब बेटा आप बहुत अच्छे से एक बात को जानते हो, मैंने कभी आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया था कि ये अगर आपका कोई ट्रांजिस्टर है और ये इसके 3 रीजन है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, और ये सपोज करो NPN ही है, तो VCB इज द वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस. तो इसको फॉरवर्ड रिवर्स बाइस कर रही है J2 जंक्शन को. ये J2 जंक्शन क्या कर रही है बेटा,
रिवर्स बायस कर रही है। तो जैसे जैसे वीसीबी की वैल्यू को बढ़ाओगे व्हाट हैपन बेटा बताना प्लीज, डिप्लेशन लेयर का जो साइज है वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। और डिप्लेशन लेयर के साइज इंक्रीज होने से बेटा बेस रीजन का साइज घटेगा, और अगर बेस रीजन का साइज घटेगा तो बेस करंट घटेगा। बोलो बेटा ऐसी बात क्या नहीं, बोलो बेटा। हाँ जी yes. तो जैसे जैसे मैं वीसीबी की वैल्यू को बढ़ाता हूं मेरा बेटा बेस करंट घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। ये कर्व आपको दिख रही होगी बेटा, जैसे जैसे मैंने वीसीबी को बढ़ाया इधर की साइड, वैसे वैसे आईबी आपका क्या चला गया बेटा, घटता चला गया। क्लियर। ये मान लो कोई बेटा एक वीसी पर कॉन्स्टेंट था। क्लियर। अगर बेटा मैं वीसीई की वैल्यू को बढ़ा देता हूं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करंट मिल जाएगा, लेकिन बेटा उसका जो स्लोप रहेगा और जो बेटा उसका जो नेचर रहेगा दिस रिमेन सेम। तो से दिस इज वीसी वन एंड दिस इज एट वीसी टू, तो ये वीसीई टू जो है वो आपका वीसीई वन से बड़ा है। तो आपकी जो कर्व है बेटा वो वैसे आएगी कि वीसीबी को बढ़ाने से आईपी की वैल्यू क्या होगी बेटा, घटेगी। और ये सारा का सारा काम इससे हुआ। कोई पूछे इस कंडीशन पर क्या हुआ, कोई बच्चा बताएगा बेटा, ये जो मैं डॉट बना रहा हूं यहां पर क्या हो गया बेटा, आईबी की वैल्यू जीरो हो गई। इस कंडीशन को क्या कहते थे बेटा, बताओगे? हाँ जी, कट ऑफ, कट, कौन सा इफेक्ट कहते थे बेटा? अर्ली इफेक्ट। यस, अर्ली इफेक्ट। जब बेस रीजन बिल्कुल आपका खत्म हो जाता है बेटा, उस समय उस इफेक्ट को हम अर्ली इफेक्ट भी कह देते हैं। तो आप पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हो बेटा कि जैसे जैसे एज VCB increases, जैसे VCB को क्या किया बेटा, इंक्रीज किया, J2 junction become more reverse bias, J2 junction और ज्यादा reverse bias हो गया बेटा। और अगर J2 junction ज्यादा reverse bias हो गया तो बताना बेटा साइज ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, डिप्लेशन लेयर का साइज इंक्रीज हुआ, एज ए रिजल्ट विड्थ ऑफ बेस रीजन, जो बेस का जो रीजन था बेटा उसकी जो विड्थ है इज decreases, बेस विड्थ आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और वी कैन से दैट आईबी डिक्रीजेस, और आपका आईबी भी क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। बोलो बेटा बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलो बेटा। तो जो कर्व आई वो कर्व बेटा किस तरीके से बनी आपको शायद क्लियर हो गया होगा। बोलो बेटा। यस सर। ओके। अब बेटा आप ये कहोगे कि सर VCE2 को बढ़ाने से ये कर्व आगे कैसे चली गई? बिकॉज बेटा VCE2 जो है वो वोल्टेज एमिटर और कलेक्टर की तरफ लग रही है, वो वोल्टेज बेटा कहीं ना कहीं एमिटर करंट को भी इंक्रीज करेगी, और एमिटर करंट अगर इंक्रीज करेगा तो बेस करंट I=IB+IC, तो कहीं ना कहीं बेस करंट भी इंक्रीज होगा, तो वो वैल्यू बेटा थोड़ी सी आगे आ जाएगी। समझ रहे हो? मतलब वीसी बढ़ाना मतलब बेटा ओवरऑल पुलिंग आपने बढ़ा दी, तो जो स्टार्टिंग में जो चार्ज कैरियर आ रहे थे उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा बेस करंट और सब कुछ बेटा बढ़ जाएगा, इसीलिए कर्व आपकी आगे की तरफ जो है बेटा वो शिफ्ट हुई है। एक्चुअली इस कैरेक्टरिस्टिक्स का इतना ज्यादा यूज नहीं होता बेटा, इसीलिए जस्ट बेटा आपको पढ़नी है कि इस तरीके से कर्व होती है, कि अगर आपके एग्जाम में कंसेप्चुअल आ जाए तो आप इस तरीके का जवाब दे दो। ओके बेटा, गेट एग्जाम जस्ट एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं बेटा। मैंने लास्ट टेस्ट में आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल दिए थे, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं कई बार जस्ट में या फिर गेट में, नेट में न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। बताओ बेटा इनपुट करेक्टरिस्टिक कंप्लीट है मेरे बेटा, किसी कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, मैंने आपको एक बात और बताई, इस बात को मैं लिखवा देता हूं बेटा, क्या कि VCE2 बढ़ाने से मतलब VCE बढ़ाने से करो आगे किस तरफ से टू, why H VCE increases, जैसे जैसे VCE क्या करता हूं बेटा, इंक्रीज करता हूं,
तो क्या होता है एक्चुअली VCE को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं बेटा, VCB प्लस VBE या VCB VC, एक मिनट थोड़ा मैं इसको थोड़ा अलग लिखता हूं बेटा, VC माइनस VE, या बेटा इसमें अगर मैं VB को भी प्लस कर दूं, VB को प्लस कर दूं और VB को ही माइनस कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा बेटा? मैंने VB को ऐड कर दिया और VB को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बच गया बेटा ये VC माइनस VB और प्लस, बेटा इसको मैं आगे ले आता हूं एक बार, VB माइनस VE, बेटा ये VC माइनस VB तो क्या बन गया VCB और VB माइनस VE क्या बन गया बेटा VBE। सो ओवरऑल VCE का मतलब हुआ बेटा VCB प्लस VBE, मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ जी बताओ बेटा, ये करो समझ में आई क्या, जो इक्वेशन है ये समझ में आई बेटा, बोलो। यस सर। तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि VCE की वैल्यू को हमने लिखा VCB प्लस VBE। अब मैं आपसे पूछूं वो बताना VCB क्या है, VCB क्या कर रही है बताना बेटा, VCB J2 जंक्शन को क्या कर रही है? हाँ जी VCB वोल्टेज किस किस के बीच में है पहले तो ये देखना, क्या J2 जंक्शन के बीच में नहीं है कलेक्टर और बेस, और उसको ये रिवर्स बाइस कर रही है, ये क्या कर रही है J2 जंक्शन को रिवर्स बाइस कर रही है। और बात करूं मैं VBE की तो ये होती है बेस और एमिटर, बेस और एमिटर क्या हुआ बेटा बोलो प्लीज, बेस और एमिटर मतलब उसको फॉरवर्ड बाइस कर रही है, J1 जंक्शन हो गया ना, तो ये वोल्टेज J1 को क्या कर रही है बेटा फॉरवर्ड बाइस कर रही है, मेरी बात समझ में आई नहीं आई बेटा बोलो प्लीज। तो जैसे ही एज VCE इंक्रीजेस क्या होगा बेटा, J1 जंक्शन बिकम मोर रिवर्स बाइस, सॉरी मोर फॉरवर्ड बाइस, मोर फॉरवर्ड बाइस, J1 जंक्शन ज्यादा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा बेटा। और अगर ज्यादा फॉरवर्ड बाइस हो गया J1 जंक्शन तो जल्दी से बताओ बेटा जो इनपुट करंट है उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी बेटा बोलो प्लीज, इंक्रीज हो जाएगी। सो इनपुट करंट, करंट इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट क्या बेटा, कर्व शिफ्टेड अवे फ्रॉम करंट एक्सिस, कर्व दो है, कर्व जो है दूसरी वाली वो बेटा करंट एक्सिस से थोड़ी सी अवे शिफ्ट हो गई बेटा। दोबारा देख लो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा VCE जो है उसको हम लिख सकते हैं VCB प्लस VBE, तो अगर VCE को बढ़ा रहे हो तो बेटा कहीं ना कहीं आप J1 जंक्शन को ज्यादा फॉरवर्ड बाइस कर रहे हो, तो इससे क्या होगा बेटा बेस करंट कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, तो बेस करंट आपकी ज्यादा वैल्यू होगी तो बेटा वो आपकी कर्व जो है वो क्या होगी बेटा कहीं ना कहीं आगे शिफ्ट कर गई, बोलो बेटा। हाँ जी यस ओके बेटा, कर्व इज जस्ट आपको इस कॉमन कलेक्टर का हालांकि बहुत कम यूज होता है बेटा, इसीलिए मैं जस्ट आपको इनकी कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन कर रहा हूँ, हमने करंट इक्वेशन ऑलरेडी इनकी बना चुके हैं। अब बेटा एक बार आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे और आ जाओ मेरे बेटा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, नेक्स्ट इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, मैंने बताया था बेटा ट्रांजिस्टर के अंदर हम तीन भाग में पढ़ेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, एक तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं अलग अलग ये जो आज मेरी कंप्लीट हो गई, और फिर बेटा मैं आपका डीसी बाइसिंग करवाऊंगा जिससे क्वेश्चंस जो हैं अनुमान होता है कि एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, एंड देन और वो डीसी बाइसिंग तभी हो पाती है जब हमने कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ लिया होता है, एंड देन द एसी बाइसिंग, तो काफी अच्छा और
टॉपिक है ये और दो क्वेश्चंस आपके नेट में कवर करता है। चलो ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं बेटा जो मैं कह रहा हूं। सो अगर मैं बात करूं कॉमन करेक्टर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व को, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कर्व, तो बेटा आपको बिल्कुल हर्ज नहीं होगा बताते समय कि आउटपुट करंट, व्हाट इज द आउटपुट करंट मेरे बेटा, IE एंड आउटपुट वोल्टेज दैट इज द VC, इन दोनों के बीच में जो कर्व होती है उसी को बेटा आप आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व कहते हो। तो किस किस के बीच में होगी बेटा, आउटपुट करंट दैट इज द IE वर्सेस आउटपुट वोल्टेज दैट इज VCE, कीपिंग बताओ बेटा क्या कांस्टेंट, इनपुट करंट दैट इज द IB एज कांस्टेंट। क्लियर बेटा, क्या यही होता है, बोलो बेटा। यस सर। ओके, नाउ अगर बेटा मैं एक साइड आई लू और एक साइड मेरे बेटा VCE लू और एक साइड में IE लेता हूं, अब थोड़ा सा मैं काम करूंगा इस पे, फिर मैं कर्व बनाऊंगा बेटा। मैंने हालांकि IC आपको बताया था कितना होता बेटा, IE हमारा होता है क्या, IC प्लस IB होता है बेटा, हाँ जी। और बेटा मैं थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करके ये कर सकता हूं कि IB जो है, IB इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू IC। IC मिली एम्पियर्स में होता है कलेक्टर करंट, और बेस करंट का वैल्यू जो है माइक्रो एम्पियर्स में होता है, बहुत छोटा करंट होता है। तो बेटा आप अप्रोक्सीमेशन के तहत IE को नियरली मेरे बेटा IC लिख सकते हो, ठीक है, ज्यादा कोई कर्व में जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप IE को क्या लिख सकते हो बेटा, नियरली इक्वल टू IC। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, IC और VC में कर्व क्या आपने पढ़ी नहीं थी पहले कभी, बताना बेटा कहां पढ़ी थी, बोलो प्लीज, क्या IC और VCE में कर्व आपने पढ़ी थी बेटा? यस सर। कहां पर? आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ी थी सर। किसकी आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स थी बेटा? एमीटर की। यस, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसी कॉमन एमीटर की आउटपुट करैक्टरिस्टिक है, द आउटपुट करैक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन कलेक्टर विल बी सेम, इक्विवेलेंट, एक जैसी लगभग आपको मिलेंगी। हम लिख सकते हैं बेटा द आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन is equivalent to the output characteristic of common emitter. और common emitter की characteristic curve को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, there is a वन रेफरेंस है कि इससे पहले जो है आपका J1 जंक्शन, J2 जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा, कुछ इस तरीके से बेटा करवाई थी आपने, जैसा मैंने वहां पर एक्सप्लेनेशन बताई थी वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन यहां पर भी बेटा वैलिड होती है। तो जस्ट मेक द कर्व, थोड़ा सा कर्व आएगी बेटा, थोड़ा सा स्लोप सा देंगे हम नीचे वाली कर्व में बेटा, थोड़ा सा स्लोप देता हूं, कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसकी कर्व की अहमियत पता लगेगा बेटा जैसे मैं अगला टॉपिक करवाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कर्व पे आने लग गए बेटा अब तो।
So these are for different value of base current. Say IB is 10 microampere. Say IB is 20 microampere. So on. Say IB is 40 microampere. So this is for different value of, we can say that base current. और अगर मैं बात करूं बेटा रीजन की, तो ये जो रीजन होगा जहां पर आपको ये आईई करंट वगैरह जीरो दिख रहा है, तो ये रीजन होगा बेटा। एक आपको जो रीजन दिख रहा होगा बेटा वो ये रीजन होगा, दिस रीजन। एंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन इज वी कैन से दैट आई कैन ड्रॉ दिस रीजन। ये तीन रीजन बेटा यहां पर आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं इंडिविजुअल रीजन के बारे में बताऊं तो दिस रीजन इज कॉल्ड कौन सा बेटा बताओ प्लीज। हाँ जी बोलो बेटा। सर कट ऑफ रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर काम हमेशा एक्टिव रीजन में अंदर करेगा एम्पलीफिकेशन। तो काफी इंपोर्टेंस है बेटा इस एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन की, ठीक है, कि ट्रांजिस्टर ऑपरेट किस में करता है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा जब अभी डिसवाइसिंग करवाऊंगा तो और इसके बारे में। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन। बताओ बेटा इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क विद मी। बोलिएगा जी बेटा, बताओ किसी को डाउट हो तो बेटा। हाँ जी। नो सर। ओके चलो अब एक बेटा कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों कॉन्फ़िगरेशन में। काफी इंपोर्टेंट है बेटा ये कंपैरिजन भी, क्वेश्चंस कंपैरिजन से भी पूछे जाते हैं। तो कंपैरिजन देख लो एक बार तीनों कॉन्फ़िगरेशन का प्लीज। आई जस्ट मेक ए टेबल हियर। One second. Okay. So I just make a comparison. Say this is my common base configuration. This is common ammeter जो हमने सेकेंड नंबर पर पढ़ी। And this is our common collector. Now इस पे अलग अलग questions बनते हैं बेटा। comparison में देख लीजिए बहुत अच्छे से कि जो पहली चीज है बेटा इनपुट रेजिस्टेंस। मैंने बताया कॉमन एमिटर में लो होगा, ठीक है बेटा, इवन वेरी लो कह सकते हैं हम, वेरी लो। अगर मैं अगर बात करूं तो नियरली कितना बेटा, कितना बताया था मैंने बताना प्लीज। हाँ जी क्या कुछ रेंज बताई थी बेटा आपको, रेंज बता के चला था ना मैं, बोलो। 20 प्लस, यस नियर अबाउट 20 ओम। एंड दिस इज कॉमन एमिटर में भी लो ही होता है बेटा, कितना बताओ नियरली। 50 सर। 50 ओम। बट कॉमन कलेक्टर में इनपुट आपका क्या होगा बेटा, हाई होगा, इवन वेरी हाई होगा, ठीक है। तो इन किलोम्स में भी आपका हो सकता है, ठीक है, इन किलोम्स, ओके, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप कंपैरिजन आपको समझ में आना चाहिए कि किस सबसे कम बेस में, फिर एमिटर में एंड देन कलेक्टर में। नाउ सेकेंड आपका अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, तो आउटपुट रेजिस्टेंस बेटा आपका कॉमन बेस के अंदर हाई होता है। क्या कुछ रेंज बताई थी बेटा, बताओगे। हाँ जी कितनी आई बेटा, बोलना। 1 मेगा ओम। यस नियरली इक्वल टू
मेगा ओम्स, इट इज वेरी हाई, वी कैन से दैट नॉट हाई, इट इज वेरी हाई. एंड इन कॉमन एमिटर की बात करें तो इसमें भी बेटा हाई होता है, नॉट वेरी हाई बट इज हाई. इन किलोम्स की बात कर लेते हैं बेटा, बट अगर कॉमन कलेक्टर की बात करूं तो इसमें लो होता है एंड नियरली इन ओम्स. ठीक है बेटा, हम यूनिट्स पे बात कर लेते हैं कि मेगा ओम्स, किलो ओम एंड ओम्स. ये आपका क्या होता है बेटा, आपका आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तीनों कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. उसके बाद अगर मैं करंट गेन की बात करूं बेटा, तो आपको अच्छे से पता है करंट गेन अल्फा से डिनोट किया जाता है बेटा कॉमन बेस में, एंड द अल्फा इज लेस देन वन, है ना बेटा, तो लेस होता ही. और अगर बात करूं बेटा कॉमन एमिटर में तो बीटा के बराबर होता है, तो बीटा की वैल्यू नियरली अबाउट मैंने बताई थी बेटा आपका लगभग आपकी 100 200 500 तक हो सकती है, तो ये हाई हो गया बेटा. और अगर मैं कॉमन कलेक्टर की बात करूं तो गामा, और गामा की वैल्यू याद करो 1 प्लस बीटा, मतलब बीटा से भी बेटा क्या ज्यादा, तो ये भी आपका हाई होता है. लेकिन बेटा कई बार ये कहा गया कि कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर में लगभग करंट गेन बराबर है, तो उस बात पे भी बेटा आप बिल्कुल सहमत होंगे मेरे ख्याल से. जस्ट वन ऐड हो रहा है किसी बहुत बड़ी चीज में, तो लगभग बेटा वो चीजें क्या है, बराबर है. क्लियर, बोलो बेटा. और अगर मैं बात करूं वोल्टेज गेन की, वोल्टेज गेन की, तो वोल्टेज गेन बेटा कॉमन बेस में बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल. बात करूं नियरली अबाउट 150 के आसपास, 100-150 के आसपास. ठीक है, कॉमन एमिटर अच्छा वोल्टेज गेन करता है, हाई होती है वोल्टेज गेन बेटा नियरली अबाउट 500 के आसपास. ठीक है ना, तो एक वोल्टेज जहां एम्पलीफिकेशन करवानी है वहां कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं. और उसके बाद अगर बात करूं बेटा मैं इसके क्या कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये भी बेटा आपकी क्या होती है, कम होता है, इसमें आपका जो वोल्टेज गेन है वो लेस होती है, लेस लेस इवन बेटा लेस देन वन, एक से छोटी होती है बेटा वोल्टेज गेन. इसलिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम कभी भी बेटा, मैं वैसे लिख देता हूं स्टेटमेंट, लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी. तो कॉमन कलेक्टर कभी भी बेटा किसमें यूज नहीं किया जाएगा, आपका वोल्टेज गेन में यूज नहीं किया जाएगा. बेटा वोल्टेज गेन करवाना है तो किसका यूज करें बताना बेटा, हाँ जी बताओ प्लीज, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का यूज करें बेटा वोल्टेज गेन के लिए, कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर. ठीक है बेटा, करंट गेन के लिए आप कॉमन एमिटर भी यूज कर सकते हो, कॉमन कलेक्टर भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन बेटा आप देख रहे हो कि कॉमन एमिटर के अंदर बेटा दोनों ही काम हो रहे हैं, करंट गेन भी हो रहा है, वोल्टेज गेन भी हो रहा है, और इन फ्यूचर आप देखोगे बेटा पावर गेन, पावर गेन एक नया पॉइंट है, पावर गेन. पावर गेन का मतलब बेटा पावर आपकी पता है आई इंटू वी होती है कहीं ना कहीं, तो वोल्टेज गेन इंटू द करंट गेन, तो बेटा ये दोनों तो लेस हैं, तो ये भी आपकी क्या होगा बेटा स्मॉल. ये दोनों हाई हैं, तो पावर गेन वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, तो ये भी बेटा हाई होगा. ये बताना बेटा प्लीज कॉमन कलेक्टर के अंदर, बेटा करंट गेन तो हाई है लेकिन वोल्टेज गेन लेस देन वन, तो ओवरऑल फैक्टर बेटा लेस देन वन आ जाएगा ना, बोलो बेटा प्लीज, हाँ जी यस सर. तो ये भी बेटा स्मॉल आ गया. तो इन फ्यूचर आपसे पूछा जाए कि पावर गेन के लिए कौन सा इस्तेमाल करें, तो आपको पता लगना चाहिए बेटा कॉमन एमिटर यूज कर लीजिएगा. क्लियर बेटा, बोलो समझ में आया बेटा पॉइंट मेरा, हाँ जी यस सर. ओके, अगली बात आती है बेटा लीकेज करंट की, लीकेज करंट. तो जैसा कि आप जानते हो लीकेज करंट इसमें तो नियरली अबाउट बेटा आईसीबी होता है, तो इट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. कॉमन एमिटर में क्या होता है बेटा आईसीईओ, और आईसीओ आपका 1+ बीटा टाइम क्या होता है बेटा बताओ प्लीज आईसीबीओ, तो ये आपका थोड़ा बेटा हाई होता है, हाई. और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें आईसीसीओ, और मैंने बताया था कि आईसीसीओ भी बेटा आईसीईओ के बराबर होता है, मतलब
वन प्लस बीटा टाइम किसके बराबर होता है बेटा, आईसीबीओ के बराबर, तो ये भी बेटा हाई, ये भी आपका क्या आएगा बेटा हाई। तो लीकेज करंट की बात करें तो कॉमन बेस में कम होती है बेटा, ठीक है, लीकेज करंट की बात करें तो किसमें कम होगी बेटा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कम होगी। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशंस की, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस टेबल से। जब भी बेटा मुझे कोई हाई फ्रीक्वेंसी की एम्पलीफिकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट लगा रहा हूं तो बेटा मेरे को उस पर वर्क करवाना पड़ेगा, तो आई यूज द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो फोर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, मैंने बताया था हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन का मतलब कि जैसे जो फाइबर लाइन वगैरह होती है बेटा, इनमें हम हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इंसर्ट करवाते हैं, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। जितना भी बड़ा ऑडियो फ्रीक्वेंसीज का काम होता है, ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बीच में कहीं ना कहीं बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा होगा और वो कॉमन एमिटर लगा होगा, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के साथ डील कौन करता है बेटा, कॉमन एमिटर करता है। तो कॉमन एमिटर फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए बेटा हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एंड लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कॉमन कलेक्टर। आप कहोगे ये वेरी इंपॉर्टेंट कैसे कह रहे हो बेटा, क्योंकि क्योंकि इसका इस्तेमाल बेटा फॉर इंपीडेंस मैचिंग किया जाता है, फॉर इंपीडेंस मैचिंग। अब इंपीडेंस मैचिंग क्या होता है आपको इसका जवाब मैं दूंगा। देखो बेटा मैंने कहा इंपीडेंस मैचिंग क्या होता है, देखो बेटा सिंपल सा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले भी शायद एक बार करवाया था ये, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है, और अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, मतलब मेरा और आपका इंपीडेंस अगर मैच नहीं करता तो मैं और आप, मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं अपना ज्ञान आप तक ट्रांसमिट नहीं कर पाऊंगा। मतलब बेटा सिंपल सी कहानी है कि सपोज करो ये ए सेंडर है और बी रिसीवर है, ए सिग्नल को सेंड कर रहा है और बी सिग्नल को रिसीव कर रहा है, अगर दोनों का रेजिस्टेंस, इंपीडेंस एक्चुअली क्या होता है मैं फिर बता देता हूं, रेजिस्टेंस तो बेटा पर्टिकुलर एक रजिस्टर में जो ऑपोजिशंस होती हैं उनको हम रेजिस्टेंस कह देते हैं, लेकिन बेटा अगर हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस के अलावा और भी कंपोनेंट हो जैसे डायोड हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, तो उनकी ओवरऑल अपोजिशन को हम इंपीडेंस कहते हैं, और जनरली इंपीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो बेटा ये जो जेड ए है, सपोज करो इंपीडेंस ऑफ ए, जेड बी इज द इंपीडेंस ऑफ बी, तो अगर जेड ए जेड बी के बराबर होगा तभी बेटा मैक्सिमम पावर आपकी क्या होगी, ट्रांसमिट हो पाएगी। क्लियर बेटा? अब मान लो सिचुएशन ऐसी है बेटा कि जेड ए की वैल्यू तो बहुत बहुत लार्ज है, लार्ज है सेंडर की, तो और जो रिसीवर है उसकी जेड ए की वैल्यू क्या है बेटा, मान लो स्मॉल है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा तो बेटा ये क्या नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं इसके पाथ में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन रख देता हूं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन कलेक्टर में इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो क्या है बेटा, देखना जरा, लार्ज, अरे है नहीं बेटा इनपुट रेजिस्टेंस, और आउटपुट रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो वो क्या है बेटा आपका, स्मॉल। बेटा बताओ ना, है नहीं ऐसा? यस, हाँ। तो बेटा मैंने जस्ट कलेक्ट कॉमन कलेक्टर रख दिया। अब बेटा अगर मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा और मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा तो क्या बेटा लार्ज के साथ लार्ज मैच नहीं हो गया, बोलो बेटा प्लीज, और स्मॉल के साथ क्या मैच हो गया बेटा, स्मॉल मैच हो गया, तो क्या इंपीडेंस मैचिंग नहीं होगी, बोलो बेटा क्या इंपीडेंस जो है वो मैचिंग नहीं होगी बेटा, इसी इंपीडेंस मैचिंग से कारण मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी बेटा, आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी। मेरी बात दोबारा सुनो बेटा,
इम्पीडेंस मैचिंग होगी तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम में भी हमने पढ़ा था क्या बेटा कि जब इम्पीडेंस मैच करेगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी। When J is equal, ZA is equal to ZB, then maximum power transmit. Maximum power transmit हो। अब बेटा कभी अगर ZA large हो, ZB आपका small हो, इनको direct अगर connect करेंगे तो ZA actually ZB के साथ match नहीं कर रहा, so maximum power transmit नहीं होगी। तो बीच में मैंने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज कर ली। अब ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बेटा इंपीडेंस को मैच करवा दिया, लार्ज के साथ लार्ज मैच कर गई, स्मॉल के साथ स्मॉल मैच कर गई। तो दिस इज कॉल्ड द इंपीडेंस मैचिंग। तो इंपीडेंस मैचिंग के लिए बेटा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बोलो बेटा समझ में आई बात? बोलो बेटा। जी सर। चलो शाबाश। अब बेटा एक लास्ट और देख लेते हैं, क्या बताया था बेटा मैंने बताना प्लीज, फेज शिफ्ट है ना बेटा, फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो बेटा फेज शिफ्ट कितना आता है अगर देखें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में 0 डिग्री, मतलब जैसी इनपुट है वैसे फेज में आपको आउटपुट मिलेगी। अगर मैं कॉमन एमीटर करूं तो 180 डिग्री, और अगर कॉमन कलेक्टर करो तो भी बेटा 0 डिग्री। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेज। बोलो बेटा समझ में आई मेरी बात? बताओ बेटा। हाँ जी सर। ओके, सो बेसिकली बेटा आप, मैंने आपको ये डिफरेंस बताया और ये डिफरेंस एक्चुअली सब कुछ कवर कर लेते हैं बेटा। आपकी एक अच्छी टेबल बन चुकी है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा मैंने ट्रांजिस्टर के 3 अध्याय आपको बताए थे कि पहले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और फिर बेटा मैं आपको डीसी बायसिंग पे लेके जाऊंगा, फिर बेटा मैं एसी बायसिंग पे लेके जाऊंगा। तो पहले अध्याय का काम पूरा हो चुका है। अब सुनिएगा बेटा, तो जो पहला अध्याय आया हमारा, इसमें बेटा 2 प्रकार के न्यूमेरिकल पढ़े। देखो हमें समरी भी तो आनी चाहिए ना बेटा। ट्रांजिस्टर के पहले पार्ट में अब तक हमने 2 प्रकार के न्यूमेरिकल देखे। कौन से बेटा? न्यूमेरिकल टाइप वन। बेटा अगर न्यूमेरिकल की मैं टाइप वन की बात करूं तो बेटा कौन सा टाइप है बेटा ये, कि हमारे 4-5 इक्वेशंस आई थी। क्या क्या बेटा? एक तो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू, बोलना मेरे बेटा जल्दी जल्दी बोलो बेटा मेरे साथ, आई बी प्लस आई सी। बेटा कॉमन बेस में क्या कॉन्फ़िगरेशन पड़ी थी? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बताना मेरे बेटा, आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम, बोलो बेटा आई ई प्लस ICBO। और बताओ बेटा इक्वेशन प्लीज, कॉमन एमिटर में IC इज इक्वल टू बीटा टाइम IB प्लस बेटा ICEO। बनी थी बेटा? बताओ। यस सर। और एक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर की पढ़ी हमने, क्या बेटा? IE इज इक्वल टू गामा टाइम IB प्लस ICCO। बताओ बेटा क्या आपने 4 इक्वेशन पढ़ी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और बेटा क्या क्या पढ़ा? अल्फा बीटा गामा में रिलेशन पढ़ा। क्या बताया बेटा मैंने कि 1/(1 - α) किसके बराबर होगा बेटा? 1+β के बराबर होगा और ये गामा के बराबर होगा। तो ये आपकी 5th रिलेशन आ गई बेटा। क्या अल्फा बीटा गामा में ये रिलेशन आपने साझा की थी? बोलो बोलो बेटा। यस सर। और एक रिलेशन और भी पढ़ी है बेटा हमने, क्या पता है? ICCO इज इक्वल टू ICEO इज इक्वल टू, बोलना बेटा, 1+β टाइम ICBO।
दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन भी बेटा कहीं ना कहीं हमने पढ़ी। और बेटा एक और भी अच्छी इक्वेशन पढ़ी थी, याद करो, अल्फा इज इक्वल टू, बताना बेटा अल्फा किसके बराबर आया था, याद है आपको, एमिटर फैक्टर और आपका बेटा ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर है बेटा, अरे याद है नहीं है? यस सर। क्या था बेटा अल्फा किसके बराबर था बताना? गामा स्टार और बीटा स्टार। गामा स्टार इनटू मेरे बेटा बीटा स्टार, जहां गामा और बीटा ये मत समझ लेना ये अलग है। गामा स्टार किसके बराबर था बेटा बताना, क्या था गामा स्टार? एमिटर एफिशिएंसी। एमिटर एफिशिएंसी एंड बीटा स्टार इज, बोलो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो बेटा पहले टाइप का न्यूमेरिकल इन पर बनता है, इन 7 इक्वेशन पर पहले टाइप का न्यूमेरिकल बनता है कि इनमें से कुछ दे देगा और कुछ पूछ लेगा। बोलो बेटा क्या ऐसा न्यूमेरिकल हम कर चुके बेटा, अपने साथ साथ किए थे ना बेटा हमने, बोलो बोलो बेटा, समझ में आ गए पहले टाइप के कैसे क्वेश्चन बनेंगे? यस सर। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप पे, ठीक है? अब किस पे आ जाते हैं बेटा? दूसरे टाइप पे, टाइप नंबर 2, न्यूमेरिकल टाइप 2। दो टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा अब तक जो मैंने पढ़ाया है टाइप 2। क्या बेटा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फाइंड, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आईसी, आईबी, आईई, वीसीबी, वीसीई, और क्या बच गया, वीईबी, कुछ भी पूछ लो, वीई, वीबी, वीसी, इनमें से कोई भी करंट पूछ सकता है फॉर फॉर गिवन कॉन्फ़िगरेशन, गिवन कॉन्फ़िगरेशन। एंड सेकंड चीज, फाइंड द मोड ऑफ ऑपरेशन, कि किस मोड में आपका ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। ये बेटा टाइप 2 न्यूमेरिकल्स आपके सामने आए। क्या करना है बेटा ऐसे न्यूमेरिकल में, कौन बच्चा बताएगा मेरे को? सबाश जवाब दो, क्या करें ऐसे न्यूमेरिकल्स में बेटा, बताना प्लीज, क्या थे बेटा स्टेप्स सोल्व करके, क्या बताया था मैंने, बोलो बेटा, तो बच्चा बताएगा, स्टेट्स बताने के लिए मैं क्या करता था, बोलो सर, आउटपुट लूप निकालते थे। यस, इनपुट में केवीएल लगाता था, वहां से कुछ डाटा निकालता था, आउटपुट में केवीएल निकालता था, वहां से कुछ डाटा निकालता था और काम करता था, ठीक है? क्वेश्चंस देख लो, इस पर एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि इसका रिकॉल हो जाए आपको। देखिएगा बेटा क्वेश्चन, देखिएगा सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस लगाने हैं, तरीका समझ लेना है बेटा, तरीके को बिल्कुल कभी भी भूलना नहीं है। जैसा मैं कहूं डिक्टो वैसा ही तरीका आपको हमेशा के लिए याद रखना है इसका, और कोई तरीका नहीं है बेटा इसको सोल्व करने का, कंफ्यूज हो जाओगे और सोल्व नहीं होगा, आंसर मैच नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं बता दिया वो आप करो। ये कॉन्फ़िगरेशन है मेरे बेटा, 10 वोल्ट, 10 किलो ओम, 1 किलो ओम, 2 वोल्ट, और क्या दे रखा है, कुछ दे रखा है बेटा, हाँ VBE दे रखा है, अगर नहीं भी देता तो भी मान लेता, कितना बेटा 0.7, एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है बेटा, बीटा की वैल्यू दे रखी है इन्फिनिटी। अब इसका मतलब समझेंगे बेटा, बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, इन्फिनिटी दे रखी है। चलो क्वेश्चंस को लगाते हैं बेटा, स्टार्ट कर,
ओके तो स्टार्ट करें बेटा न्यूमेरिकल। देखो कैसे करना है, जैसे मैं सोचता हूं बिल्कुल डिटो आपको सोचना है। क्या बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जैसे मतलब मैं स्टेटमेंट चलता हूं, देखो सबसे पहले बताओ एमिटर करंट किधर जा रहा है बेटा, बोलो मेरे साथ, बोलो बेटा एनर्जी में बाहर जा रहा है। तो एमिटर करंट बाहर जा रहा है, तो बेस करंट अंदर, कलेक्टर करंट अंदर। जैसा मैं सोचता हूं वैसा डिट्टो आपको सोचना है। पहला बना लिया बेटा। फिर मैंने बताया कि J1 जंक्शन को फॉरवर्ड मानना है और J2 को रिवर्स मानना है, ठीक है। स्टार्टिंग में मानना ये है, J1 जंक्शन किस किस के बीच में होता है बेटा, एमीटर और बेस। ये फॉरवर्ड कब होगा बेटा, पहले तो ये देखो कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर है बेटा, NPN, क्योंकि एरो देखो P2N जा रहा है, तो NPN सही बनाया। फॉरवर्ड बाइस का मतलब बेटा जल्दी बताओ, बेस पे ज्यादा है एमीटर पर ज्यादा, बोलो। हाँ जी, अरे बेस पी टाइप का है ना बेटा, तो बेस पर ज्यादा होना चाहिए फॉरवर्ड बाइस के लिए। तो क्या बनेगी वोल्टेज बेटा, VBE, बोलो बेटा। मान लिया ना हमने J1 जंक्शन को क्या मान लिया बेटा, फॉरवर्ड बाइस। J2 जंक्शन किस किस के बीच में होता था बेटा बताना, कलेक्टर और बेस के बीच में। अरे होता था नहीं होता था बेटा, तो कलेक्टर को रिवर्स करना है। बताओ बेटा रिवर्स कैसे होगा, बताओ बेटा। N को मैं हाई पर, N तो हाई पे होगा, तो मतलब VCE लिख दो ना बेटा इसको। यस सर। अरे तभी तो होगा बेटा, कलेक्टर को मैंने हाई पर कर दिया, क्लियर। और इन टर्म्स बेटा अगर मैं यहाँ की भी बात करूं, तो यहाँ की वोल्टेज भी आप लिख सकते हो। ये वोल्टेज किस किस के बीच में बेटा, कलेक्टर और बेस के बीच में वोल्टेज है। तो बताओ क्या आएगा बेटा यहाँ पर, वी हाई पर कौन है बेटा, कलेक्टर बेस VCB। बोलो बेटा ऐसा है नहीं। हाँ जी बोलो बेटा। अब बेटा ये मैंने कैसे मान के किया है, ये मैंने मान के किया है कि आपका ट्रांजिस्टर किस मोड में है बेटा, एक्टिव मोड में है। J1 जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है और J2 जंक्शन रिवर्स बाइस है, ये मान के चलाऊं बेटा मैं, क्लियर। चलो अगर इन फ्यूचर बेटा VCE की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, मतलब जो मैंने माना वो मेरा गलत है, ठीक है ना बेटा। चलो अब इनपुट में KVL लगाता हूं। कई क्वेश्चन करेंगे बेटा, ढेर सारे, चिंता मत करो आप इस पर। इसमें कम से कम मैं देख लो अभी 50-60 क्वेश्चन क्लास में और करवाने वाला हूं बेटा, इस पे पूरे पे बाइसिंग पे। अब देखो माइनस से प्लस, और बेटा करंट अगर ऐसे एंटर कर रहा है तो प्लस से माइनस। बेटा आप पूरी तरह से मेरे को KVL लगाना बताओगे बेटा, बताओ माइनस से प्लस कितना है बेटा, बोलो प्लीज। हाँ जी +2, वेरी गुड बेटा। आगे बताना, बताओ बेटा आगे, प्लस से माइनस, माइनस हाँ VBE, वेरी गुड बेटा। कोई जो चीजें हैं बस वो है VBE। आगे बताओ बेटा, प्लस से माइनस, माइनस 1 × करंट कितना है बेटा, IE इज इक्वल टू 0। तो बेटा IE की वैल्यू कितनी आई बेटा बताना, 2 - VBE। सो 2 - VBE की वैल्यू कितनी आई बेटा, बोलना, 0.7, तो 1.3। और बेटा पाथ में रेजिस्टेंस किलो में है, तो करंट किस में आएगा, बोलो बेटा, मिली एम्पियर। क्या एमीटर करंट निकल के आ गया, बोलो। Yes, बोलो बेटा, शाबाश। अब देखो बेटा एक चीज दे रखी है कि बीटा की वैल्यू इंफिनिटी दे रखी है, इससे क्या रिजल्ट मिलता है, कोई बच्चा बताएगा, शाबाश, कोई बच्चा सोच के बताए बीटा इंफिनिटी का मतलब क्या है, बोलो बेटा। अजय दिमाग लगाओ बेटा, बीटा इंफिनिटी का मतलब क्या है, हाँ जी नहीं लग रहा, बताओ बेटा बीटा क्या होता है, किस किस का रेशियो होता है, IC/IB। बीटा इन्फिनिटी कब हो सकता है बेटा बताना, बीटा इन्फिनिटी का मतलब है बेटा कि आपका IB → 0। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा, IB की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब IB ना के बराबर है। एक्चुअली बीटा टेंड्स इन्फिनिटी है, नॉट एग्जैक्टली इन्फिनिटी। फिजिक्स में इन्फिनिटी नहीं होता है, फिजिक्स में लार्ज होता है, इन्फिनिटी का मतलब कुछ भी नहीं होता है फिजिक्स में, वेरी लार्ज को हम इन्फिनिटी कह देते हैं, ठीक है बेटा। एक एक माइक्रो एम्पियर चार्ज है,
और एक 1 किलो ओम चार्ज है, सॉरी एक 1 माइक्रो कोलाम चार्ज है और एक 1 कोलाम चार्ज है। तो 1 कोलाम 1 माइक्रो कोलाम के रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी है, समझ रहे हो बेटा? तो इन्फिनिटी फिजिक्स में रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो आपका आई बी क्या हो गया बेटा, टेंड्स टू जीरो। तो आई बी टेंड्स टू जीरो होते ही क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं कि जो एमिटर करंट है वो नियरली किसके बराबर होगा, बोलना बेटा, बोलो बताओ, आई बी किसके बराबर होगा बेटा? आईसी आईसी के बराबर। हाँ, इसको भी बेटा हम यूज कर लेंगे। अब बेटा एक बार हम आउटपुट साइड में केवीएल और लगाते हैं। लो बेटा लगाओ प्लीज, कि करंट ऐसे जा रहा है तो दिस इज हाई दिस इज लो, दिस इज लो दिस इज हाई। बताओ बेटा माइनस से प्लस, बोलो बेटा माइनस से प्लस कितना? प्लस 10। वेरी गुड बेटा, आगे बताओ, प्लस से माइनस? माइनस टेन आई सी। क्लियर बेटा? आगे बताओ बेटा, प्लस से माइनस? माइनस VCE। ओके, आगे बेटा बताओ, प्लस से माइनस? माइनस IE इज इक्वल टू जीरो। क्या बेटा ऐसे ही समीकरण बनेगा, बताओ? हाँ जी। तो यहां से अगर VCE की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आती है बेटा, 10 माइनस 10 IC माइनस IE, या मैं कह दूं 10 माइनस 11 IC, है ना बेटा? क्योंकि आई नियरली इक्वल टू क्या है बेटा, आपका आईसी है, तो 11 आईसी हो गया। तो कितना हो गया बेटा आंसर बताना, 10 माइनस 11 गुणा कितना बेटा, 1.3। बोलना बेटा ये आंसर कितना आया, बोलो प्लीज, कितनी वैल्यू आई है? बोलो बेटा, सुभाष बताओ मेरे को कितनी वैल्यू आती है? नेगेटिव में कितनी बेटा, नेगेटिव वैल्यू 2.3 सर, 2.3 माइनस 2.3 है ना बेटा, 2.3 सर। कितनी, मेरे को सुन नहीं रहा बेटा आपकी आवाज, 4.3 सर। ओके, माइनस 4.3, so VC is equal to minus 4.3। और बेटा एक बात बताओ, VC और VCB में रिलेशन था कोई बेटा, बताओ क्या था? VCE is equal to क्या रिलेशन बताता है बेटा मैं, VCB plus VCE, VCB plus VBE। तो VCB हमारा आता है VCE माइनस, बेटा सही कर रहे हैं क्या, VBE, VCE है माइनस 4.3, VBE है 0.7, तो माइनस 5 वोल्ट आ गया बेटा। और बेटा VCB का नेगेटिव होने का मतलब क्या है बेटा, बताओगे मेरे को? हाँ जी, अरे बेटा VCB नेगेटिव आने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस, J2 फॉरवर्ड बायस, है ना बेटा? और J2 फॉरवर्ड बायस का मतलब बेटा मोड बताना, सैचुरेशन मोड। यस, तो द मोड इज सैचुरेशन, सो द मोड इज सैचुरेशन। तो बेटा मोड बता दिया आपने, आपने आई निकाल दिया, आपने आईसी निकाल दिया, आपने वीसी निकाल दिया, आपने वीसीबी निकाल दिया, काफी हद तक आप काम कर चुके। अब बेटा जो मैं पूछूं वो बताना मेरे को, एक बार आप वोल्टेज एट एमीटर बता दो कितनी आएगी, सुभाष वोल्टेज एट एमीटर कितनी आएगी, कोई बच्चा बता सकता है तो बताओ, बताओ कैसे बताओ, बोलो वोल्टेज एट एमीटर कितनी आएगी, बोलो बेटा,
बता सकते हो? निकालें कैसे ये बता दो। किसी बच्चे को V पता है कैसे निकालते हैं? रोल नंबर 25। यस सर। VE कैसे निकालते हैं? सर नहीं पता। आपको नहीं पता? किसी पॉइंट पर वोल्टेज कैसे निकालते हैं आपको नहीं पता? VE है क्या? VE क्या है बताना। सर वोल्टेज कहां पर? एमीटर पर। एमीटर पर वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज। किसी पॉइंट पर वोल्टेज कैसे निकालते हैं कभी बताया मैंने? बोलो बोलो। सर ग्राउंड से लेके सर वो रेजिस्टेंस वन के सर आई ई निकाल रखा है तो सर। हाँ तो बताओ ना कैसे। ग्राउंड ले, दिस इज द ग्राउंड, ग्राउंड से गए माइनस से प्लस, क्या आएगा? प्लस आर ई, जो भी आर ई की वैल्यू है, प्लस वन इंटू आई, आई ऑलरेडी निकाल रखा है 1.3 वोल्ट। आ तो गया, यही तो है। यस सर। तो ये नहीं बता रखा था क्या? आप बताओ मेरे को। सर पता था। तो फिर रेस्पॉन्स नहीं करना सीखोगे तो कुछ फायदा नहीं है क्लास में बैठने का। समझ रहे हो बेटा? किसी इंसान को पढ़ाने के लिए, देखो सुनो, आपको एक मैं भ्रम निकाल देता हूं दिमाग से, आप प्लीज इस चीज को मेरे को एक बार समझिएगा, मेरी भावनाओं को। अगर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, अगर आपको सीखना है बहुत ज्यादा, आपके अंदर इच्छा है कि हम कुछ नई बात सीख के जाएं, ठीक है ना, तो ही बेटा बैठो, बहुत लाला लोरी हो गई है। समझ रहे हो? क्योंकि टेस्ट क्लियर करवाना है, मुझे भी रिजल्ट चाहिए फाइनली, और टेस्ट क्लियर तभी होगा जब दोनों तरफ से मेहनत जी तोड़ होगी। तो मैं तो अपनी तरफ से फुल आंगा लगा रहा हूं और आप अनम्यूट करके जवाब नहीं दे पा रहे। पता है तो भी ये आशंका में है कि पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अरे गलत बोल दोगे क्या हो जाएगा? मैं डांट मार दूंगा क्या हो जाएगा? क्या पार्ट टूट जाएगा? क्लास तो कम से कम इंटरेक्टिंग हो जाएगी। एक तरफ मैं तो नहीं भोगता रहूंगा सिर्फ। एक बार दीवार के सामने बैठ जाना, ठीक है ना, दीवार के सामने बैठना बिल्कुल, और दो घंटे लगातार बोलते रहना, कंटिन्यूस बोलते रहना दो घंटे, फिर देखते हैं क्या रहता है। समझते नहीं हो यार बातों को, कभी नहीं समझोगे, और मुझे पता है आपका कोई नहीं समझता। वोल्टेज एट एमीटर आ चुकी है, हम बाकी सारे डाटा निकाल चुके थे, वीसी निकाल चुके थे। वीसीई मेरा आया था -4.3। वीसी का मतलब होता है वीसी माइनस वीई इज इक्वल टू -4.3। तो यहां से वीसी भी आ जाएगा -4.3 प्लस वीई, जो कितना आया -4.3 प्लस 1.3, कितना आया ये बोलो जल्दी से। अरे कितना गई? -3 सर। -3 वोल्ट। वीसी आ गया, वीई आ गया, वीबी निकालना, वीबी निकालना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीबी? वीबी टू सर। टू कैसे सर? बेस फिर डायरेक्ट दिख रहा है टू ये।
हाँ सर देखो क्वेश्चन क्या है, से द वोल्टेज इज 5 वोल्ट 10 किलो ओम एंड दिस टर्मिनल दिस इज 1 किलो ओम दिस इज 10 वोल्ट बीटा इज 10 एंड VBE हालांकि दे रखा है, नहीं भी दे रहा होता तो मैं 0.7 मानता। फाइंड ऑल थिंग्स, सब बताना है, मोड बताना है किस मोड में काम कर रहा है, सारे करंट निकालने हैं, सब कुछ निकाल के लेकर आना है। चलो सोल्व करो, लेट्स सोल्व दिस। चैट बॉक्स में आंसर भेजना। हेलो, हाँ सर ऐड हो आप, हाँ दोनों नंबर ऐड कर रखे हैं।